तो हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग जानने वाले हैं कि किसी भी 3D प्लान को हम अपने मोबाइल में कैसे देख सकते हैं। तो आज हम लोग इसी के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए डायरेक्ट मैं आपको पॉइंट पर आता हूँ और बता देता हूँ। लेकिन दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखना, तभी आपको समझ में आएगा कि किसी भी 3D प्लान को हम अपने मोबाइल में किस तरीके से ओपन कर सकते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे ही घर से जुड़ी और टेक्निकल सिविल इंजीनियरिंग से जुड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर के मैं आता रहता हूँ। चलिए शुरू करते हैं और जान लेते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको प्ले स्टोर पर जा करके एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है स्केचअप। अभी आप यहाँ पर हमारे मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इस एप्लीकेशन को आपको वहाँ से प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा। उसको डाउनलोड करने के बाद आपको इसको ओपन करना है। आप जैसे इसको ओपन करोगे, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा साइन इन करने का। उसके बाद इसको यहाँ पर अपने गूगल आईडी से साइन अप कर लेता हूँ। चलिए अभी मैं यहाँ पर साइन अप कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पर अपना ईमेल आईडी सेलेक्ट कर लिया। ईमेल आईडी सेलेक्ट करने के बाद मैंने इस यहाँ पर आपको साइन इन करके दिखा दिया हूँ। चलो अभी साइनिंग होने देते हैं। साइनिंग हो गया, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। साइनिंग होने के पास कुछ ऐसा ऑप्शन आएगा, यहाँ पर आपको एक ओपन का ऑप्शन आएगा। जब आप पहली बार ओपन करोगे तो ओपन का ऑप्शन आएगा, वहाँ से आप अपनी फ़ाइल को चूज कर लेंगे ना, जो भी आपकी 3D फाइल है। जैसे मैंने अपने फाइल को ओपन किया, यहाँ पर आपको कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा, आपको कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद थोड़ा वेट करना, इसके बाद यहाँ पर ये लोडिंग लेगा, आपको थोड़ा सा वेट करना है। ये डिपेंड करता है दोस्तों आपके मोबाइल के ऊपर कि आपके मोबाइल कितने GB रैम की है, आपका प्रोसेसर कैसा है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। लोडिंग होने में थोड़ा समय लेता है, आप वेट करिएगा। आप ऐसा लोडिंग होने के बाद कुछ इस तरीके से आपकी फ़ाइल ओपन हो करके आएगी। आपका जो भी फाइल होगा, जो भी प्लान होगा, 3D प्लान होगा, इस तरीके से आपको ओपन हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आप किसी भी एंगल से अपने प्लान को रोटेट करके, जूम करके, जैसे भी चाहो आप अपने 3D प्लान को आराम से इजीली टॉप व्यू और रेक्टेंगुलर व्यूज़, क्रॉस एंगल व्यूज़, किसी भी व्यू को आप यहाँ पर आसानी से देख पाओगे। जैसा कि मैं किस तरीके से मैं अपने सिर्फ उंगलियों के हिसाब से अपने इस प्लान को मूव कर रहा हूँ, और जो भी मेरा मन चाहे मैं उसको इजीली यहाँ पर देख सकता हूँ। तो देख पा रहे होंगे आप कि आप जितना चाहो उतना इसको यहाँ पर जूम कर सकते हो। देखो अभी आप, मैंने यहाँ पर जूम कर दिया हूँ। मैं यहाँ के स्टेयरकेस के अंदर का पार्ट देख सकता हूँ, देख रहे हो आप। यहाँ पर लिफ्ट का पोर्शन आ गया, यहाँ पर एंट्रेंस आ गई। जितना चाहो उतना आप इसको जूम करके आसानी से देख पाओगे। मैंने जितने भी मैं यहाँ पर फाइल यूज़ करता हूँ 3D प्लान का, मैं इसी एप्लीकेशन से अपने पूरे फाइल को ओपन कर 3D व्यू करके चारे बाजू से जिधर से मेरा इच्छा करता है मैं अपने प्लान को अच्छे से देख पाता हूँ और समझ पाता हूँ कि हमारे 3D प्लान में क्या क्या चीज़ें दिया गया है, किस तरीके से हमको अपने बिल्डिंग के एलिवेशन को बनाना है, किस तरीके से हमारा जो घर का प्लान है उसको हमको बाहर का एलिवेशन देना है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है दोस्तों, जो चीज़ें हमको 3D में समझ में आती है वो चीज़ें हमारे प्लान में अच्छे से हमको क्लियर नहीं हो पाती। तो इसीलिए आपको 3D प्लान ज़रूर देखना चाहिए। उसका आपको 3D प्लान अपने मोबाइल में ही ओपन करके एक बार ज़रूर देख लेना चाहिए कि हमारे घर का, हमारे बिल्डिंग का आखिर एक्चुअल जो हमारा एलिवेशन है वो किस तरीके से दिखता है। तो दोस्तों आप इस एप्लीकेशन की मदद से बहुत आसानी से देख सकते हो, कोई भी झंझट नहीं है, बहुत इजी टू यूज है दोस्तों, बहुत बेस्ट एप्लीकेशन है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको इस वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी, कुछ मदद मिली होगी। दोस्तों अगर ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर के मैं आते रहता हूँ।